वेलकम टू कैरियर स्पार्क। उन्हें नजाना अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग में करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसको चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। इसको कैसे बनवाएं, किसके द्वारा बना मान्य होता है, कब तक मान्य होता है, और गवर्नमेंट जॉब में इसकी क्यों डिमांड रहती है। करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल और कॉलेज के टाइम में सभी ने बनवाए होंगे, लेकिन वे करेक्टर सर्टिफिकेट अब काम नहीं आएंगे। इसके लिए आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो वन बाई वन पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी क्यों डिमांड रहती है सभी गवर्नमेंट जॉब में। इसके द्वारा यह जाना जाता है कि आपकी सोसाइटी में किस प्रकार की छवि है, क्या कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या कोई एक्टिविटी तो नहीं है जो समाज के खिलाफ हो। यदि ऐसी कोई रिकॉर्ड होता है, यदि कोई एक्टिविटी पाई जाती है, तो आप उस पद के योग्य नहीं होते हैं, तो वह आपको जॉब नहीं मिल सकती। इसलिए सभी गवर्नमेंट जॉब में इसकी डिमांड रहती है। नेक्स्ट, कब तक का बना मान्य होता है। यदि आपका पहले का बना मान्य बना है, तो चेक कर लें कितने महीने हो गए हैं। यदि वह 6 महीने हो चुके हैं या होने वाले हैं आपकी काउंसलिंग के टाइम तक, तो आप इसे जल्दी से नया बनवा लें, जिससे आपको काउंसलिंग के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है, मान्य होता है, वह केवल 6 महीने 6 मंथ तक होता है। इसके बाद इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, किसके द्वारा बना मान्य होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये नहीं कि आप किसी के द्वारा बनवा लें इसको। ये केवल आप सक्षम अधिकारी, जिन्हें आप गजेटेड ऑफिसर भी कह सकते हैं, के द्वारा बना हुआ मान्य होता है। सोसाइटी में आपको बहुत गजेटेड ऑफिसर मिल जाएंगे। कुछ गजेटेड ऑफिसर के बारे में हम बात यहाँ कर लेते हैं कि कौन कौन होते हैं। जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, GIC की प्रिंसिपल या GGIC की प्रिंसिपल, BSA, ABSA, खंड शिक्षा अधिकारी या सरकारी डॉक्टर, BDO, जिला विद्यालय निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल। इनके अलावा भी और भी उच्च पदों के अधिकारी होते हैं, जिनके द्वारा साइन किए गए चरित्र प्रमाण पत्र मान्य होते हैं। अब समझते हैं कि इसको कैसे बनवाएं। इसको बनवाने का जो प्रोसेस है, वह काफ़ी ईजी है। इसमें किसी को किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले होता है किस प्रकार का इसका परफॉर्मा हो सकता है। इस प्रकार का परफॉर्मा होता है करेक्टर सर्टिफिकेट का। यहाँ आपका नाम श्री या श्रीमती या कुमारी जो भी है, यहाँ डॉटर या वाइफ, यहाँ आपका एड्रेस, और यहाँ जो आप जिस अधिकारी से आप सिग्नेचर कराने गए हैं, वो यहाँ आप डेट मंथ या ईयर डालेंगे कि वे आपको कब से जानते हैं, 6 मंथ या 5 मंथ, इस तरह से कुछ भी आप वो यहाँ डेट डाल सकते हैं। यहाँ फिर से आपका नेम आएगा, यहाँ डेट प्लेस, यहाँ सिग्नेचर अधिकारी के, और यहाँ वे अधिकारी किस पद पर हैं, यहाँ उस पद का नाम। ये परफॉर्मा आपको कचहरी या बुक सेलर पर आसानी से मिल जाएगा। यदि आपको फिर भी अगर नहीं मिलता है, तो आप इसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस प्रकार करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना काफ़ी ईजी है, जिसको आप तुरंत बनवा लें यदि आपका बना नहीं है या डेट कंप्लीट हो चुकी है, जिससे आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे के वीडियो में हम काउंसलिंग से रिलेटेड और भी जानकारी लाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।